गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। अब तक अपन ने हिंदी के 3 चैप्टर पढ़े थे, सूरदास, तुलसीदास और देव, जो सारे अर्थग्रहण और सराहना संबंधी प्रश्न और अभ्यास प्रश्न सारे कंप्लीट हो चुके हैं और सारी नोटबुक आज तक चेक हो जाएगी। उसके बाद अपन संस्कृत का काम करेंगे। हिंदी में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अब अपन संस्कृत के अंतर्गत 1st चैप्टर पढ़ेंगे। अब अपन हिंदी को ड्रॉप कर, हिंदी को अब नहीं पढ़ेंगे, अब सिर्फ क्या करेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। तो ये आपकी जो संस्कृत की जो बुक है, यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत, तो ये संस्कृत की बुक है। इसके अंतर्गत आपका जो 1st चैप्टर है, यहाँ पर यह दिया हुआ है, 1st चैप्टर है सूची पर्यावरण। सूची का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र, पर्यावरण यानी पर्यावरण, हमारे चारों ओर जो फैला हुआ या हमारे आस पास या हमारे चारों ओर फैला हुआ जो आवरण है वह क्या है, पर्यावरण। परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर फैला हुआ जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो हमें शुद्ध पर्यावरण के लिए कहाँ जाना चाहिए, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। ये पाठ यही बताएगा कि हमें शुद्ध शुद्ध वातावरण प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ जाना है, पर्यावरण यानी प्रकृति की ओर जाना है। तो पाठ परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, तो पाठ परिचय और ये 1st जो पैराग्राफ है वो अपन पढ़ेंगे। उससे पहले देखेंगे अपन, यहाँ पे आपको सूची पर्यावरण है, शुद्ध पर्यावरण, और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको बिना यहाँ पे गृह कार्य लिखेंगे और फिर पाठ का नाम, उसके बाद एक पदेन प्रश्न लिखने हैं। जितने भी आपके एक पदेन जो अभ्यास पाठ्य पुस्तक अभ्यास प्रश्न, उसके अंतर्गत 1st क्वेश्चन है एक पदेन, वो आपको लिखना है। उसके अलावा काव्यांश के नीचे जब मैं आपको फोटो भेजूंगी, तो काव्यांश के नीचे उसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है, उसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, और साथ में उससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है, एक पदेन, पूर्ण वाक्य और भाषिक कार्य, ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और आएंगे। तो आपको हर पैराग्राफ के जो प्रश्न हैं उसको बार बार अभ्यास करना है, यानी एक पदेन उस पैराग्राफ में से, उसमें से आएगा आपके एक पदेन प्रश्न, पूर्ण वाक्य और भाषिक कार्य। भाषिक यानी व्याकरण संबंध, जिसमें कर्ता पूछ सकता है, क्रिया पूछ सकता है, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे शब्द है ना उसके अंदर व्याकरण के अंतर्गत पूछ सकता है। तो आपको उसका अभ्यास करना है, उसको बार बार पढ़ना है, यानी उसका उस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ भी करना है, उन प्रश्नों के उत्तर भी देखने हैं, कैसे दिए हुए हैं, कैसे लिखने हैं, किस तरह अपन को उसको लिख सकते हैं, और साथ में आपको होमवर्क में एक पदेन पूर्ण वाक्य, एक पदेन जो प्रश्न है वो आपको होमवर्क में गृह कार्य में करना है। अब अपन इसका जो 1st पैराग्राफ है वो अपन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, सूची पर्यावरणम, शुद्ध पवित्र वातावरण। निरंतर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से आज संपूर्ण विश्व पीड़ित है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं तेज सभी तो प्रदूषित हो गए हैं। तो पृथ्वी यानी भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये सभी क्या हो गई है, प्रदूषित हो गए हैं। मानव मन को शांति कहाँ मिली, विश्वव्यापी समस्या से अनुप्रेरित होकर आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा ने यह कविता लिखी है। किसने लिखी है, हरिदत्त शर्मा ने। सूची पर्यावरणम उनकी लस लतिका गीत संग्रह में संकलित है। कौन सा है, लस लतिका गीत संग्रह में संकलित है। इसमें कवि महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि यह लोह चक्र तन मन को शोषक है। तो महानगरों में गाड़ियां ज़्यादा चलती है, यांत्रिक यानी हर चीज़ यंत्र यानी हर चीज़ मशीनी युग के आधार पर होते हैं, तो वहाँ पर बढ़ते प्रदूषण के कारण लोहे के जो पहिए हैं, गाड़ियों के पहिए किसके होते हैं, लोहे के होते हैं, उससे तन और मन दोनों ही पीड़ित होता है, जिसे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, यानी प्रदूषित हो रहे हैं। प्रस्तुत कविता के प्रथम 3 श्लोकों में कवि ने यांत्रिक वृद्धि के कारण प्रदूषित पर्यावरण तथा वायुमंडल प्रदूषण का वर्णन किया है। 4-7 श्लोकों में कवि शुद्ध वायु, जलवायु युक्त हरे भरे वृक्षों से घिरे पक्षियों की संगीत लहरी से गुंजित शुद्ध पर्यावरण में जाने की अभिलाषा करता है। तो 1st के अंदर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, अब अपन इसको पढ़ेंगे।
दुर्वह अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। दुर्वह यानी कठिन, अत्र मतलब यहाँ, जीवन जीवित यानी जीवन, जाता यानी हो गया, तो महानगरों में जीवन जीना कठिन हो गया है। प्रकृति शरणम, प्रकृति देव शरणम, प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। तो महानगरों में हमारा जो जीवन है, जीवित रहना, हमारा जीवन को जीना बहुत ही कठिन हो गया। दुर्वह यानी कठिन, अत्र मतलब यहाँ, जीवितम यानी जीवन, जाता यानी हो गया, प्रकृति देव शरणम, तो हमारा महानगरों में जीवन जीना कठिन हो गया, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। सूची पर्यावरण, जहाँ पर शुद्ध और पवित्र पर्यावरण मिले, तो हमें प्रकृति की शरण में शुद्ध पर्यावरण या अपन कह सकते हैं शुद्ध वातावरण की ओर जाना चाहिए। महानगर मध्य जल धनिष, महानगर मध्य, महानगरों के मध्य या महानगरों के बीच में जल धनिष चलते हैं दिन और रात, कालाय चक्रम यानी समय के पहिए के समान लोहे के पहिए निरंतर चल रहे हैं। मन शोषय, जिससे मन क्या होता है, मन का शोषण होता है, मन परेशान हो जाता है, मन कहीं पर भी नहीं लगता है, मन का शोषण होता है। तन पेशियत, और तन भी पीसता है, यानी शरीर को भी अनेक प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति यानी घूमता है, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा मेढ़ा, तो महानगरों के मध्य दिन रात लोहे के पहियों के चक्र मन का शोषण करते हैं और तन यानी शरीर को पीसते हैं, और यह चक्र हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है, यानी वक्र दृष्टि से यह वक्रता लिए हुए टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है। दुर्दांत दर्शने अमूना, दुर्दांत यानी भयंकर, दर्शने यानी दांत, अमूना का अर्थ यहाँ पे दिया, अमूना यानी निश्चित रूप से, अमूना मतलब इसके आने से, यानी पर्यावरण प्रदूषण यानी गाड़ियों के पहियों के चलने से या आधुनिकता के कारण भयंकर दांतों से यह श्यानेव नष्ट कर रहा है, जनग्रसनम लोगों के जनजीवन को क्या कर रहा है, निश्चित रूप से नष्ट कर रहा है। तो बड़े बड़े दांतों से यह महानगरों के अंदर चल रहे जो पहिए हैं, लोहे के गाड़ियों के जो पहिए चल रहे हैं, वह अपने बड़े बड़े दांतों से मानव के जीवन को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य को शुद्ध पर्यावरण में जाना या प्रकृति की गोद में जाना चाहिए। तो पूरे पैराग्राफ का अर्थ निकलेगा कि महानगरों के मध्य हमारा जीवन या हमारा जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए और शुद्ध पर्यावरण की ओर हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए। महानगरों के मध्य दिन रात लोहे की गाड़ियों के पहिए समय के चक्र के समान निरंतर चलते जा रहे हैं, जिससे हमारा मन का शोषण होता है और शरीर को पीसता है या पेसता है, और हमेशा यह पहिया वक्र दृष्टि से चलता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। दुर्दांत दर्शने, और यह अपने भयंकर बड़े बड़े या भयंकर विशाल दांतों से हमारे जीवन को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। अब इसके अंदर एक प्रश्न दिए हैं, देखें इसको। पठित बोधनम, पुत्र दुर्गम जीवनम, जीना दुर्भर कहाँ हो गया है, महानगर मध्य। अत्र जीवितम कृदशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है, दुर्वह, कैसा हो गया है, दुर्वह, कठिन हो गया है। मरणम इति पदस्य विलोम पदम, मरण का विलोम शब्द क्या होगा, जीवितम या जीवनम। दर्शने इति पदस्य विशेषण, दर्शने यानी दांत हैं, किसके हैं, दुर्दांते विकरालों से, दर्शने शब्द का विशेषण क्या होगा, दुर्दांत, भयंकर, दांत कैसे हैं, भयंकर हैं। भ्रमति सदा वक्रम, अत्र क्रियापदम, भ्रमति सदा वक्रम, इसमें क्रियापद कौन सा होगा, भ्रमति यानी घूमना, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा मेढ़ा, तो भ्रमति इसका क्रियापद होगा। अब आपको इसके अंतर्गत क्या करना है, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, ये जो अभ्यास प्रश्न है आपके एक पदेन है। अत्र जीवितम
कीदृशं जातं दुर्वह अनिश महानगरी किं प्रचलति कालश्चक्रम कुत्सित वस्तु मिश्रित किम अस्ति कुत्सित का होता खराब मिलावटयुक्त वस्तुएं कैसी होती है भक्ष्यम अहम पश्मे जीवने कामी हम कैसे जीवन की कामना करते हैं कैसे जीवन की कामना करते हैं मानवाय मानव के जीवन की कामना करते हैं केश्याम माला रमणिया हरि तरुणा ललित लता नाम माला रमणिया। ये आपको ये अभ्यास प्रश्न एक पर देने आपको होमवर्क में गृह कार्य में करना है। इसके जो आगे का जो भाग है वो अपन अगली बार पढ़ेंगे।